अरे तुम लोग कौन से तर्ज पे ढोलक बजाने लगते हो? ऐसे थोड़ी ढोलक बजाया जाता है, कोई ढोलक बजाने का कोई काम होता है? अब बताओ, आए हम बराती बारात लेकर, इस गाने पे मैं ढोलक अच्छे से अपना तर्ज मिला रहा था, इधर देखो राहुल कुछ और ही बजाने लगा। अरे राहुल ऐसे बजाओगे तो हमारा तुम्हारा तर्ज नहीं मिलेगा, देखो सही से बजाना है तो बजाओ, अगर नहीं बजा पाना है तो अलग हो जाओ हमारी टीम से। और तुम केजरीवाल क्या बजाने लगते हो, तुम क्या बजाने, तुम भोजपुरी गाना पे बजाने लगते हो ढोलक? हाँ मुझे लगता है कि योगी थोड़ा बहुत बजाते हैं, लेकिन योगी जी तुम भी अच्छे से बजा नहीं पाते हो। मैं तो ये कहता हूँ जो भी बजा नहीं पाता मेरे टीम से अगल हो जाए। योगी जी तुम तो थोड़ा बहुत बजा भी लेते हो, ये लोग तो पता नहीं क्या बजाने लगते हैं, नौटंकी टाइप का। अरे मोदी जी एक बात बताइए कि ये किसकी शादी है यहाँ पे? शादी तो पता नहीं चल रहा, कुछ भी बजाए जा रहे हो, ये लग रहा है कि रोड का जश्न मन रहा है यहाँ पे। ये मुझे पता होना चाहिए किसकी शादी है, तभी तो मैं अच्छे से ढोलक बजा पाऊंगा। कभी मैं सोचता हूँ अपनी शादी है, कभी सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी है, कभी कभी राहुल की शादी याद आने लगती है। केजरीवाल बेचारे की शादी तो हो चुकी है, हम ही तीन लोग हैं जो अपना सही से शादी नहीं कर पाए, तो ढोलक किसके लिए बजाऊं मैं? केजरीवाल के लिए तो बजा नहीं सकता हूं। तो बताइए, अरे राहुल तुम अच्छे से ढोलक बजाओ, किसी की भी शादी हो तो क्या दिक्कत लेना देना तुमको। अरे वाह क्या बात है योगी जी, तो डायलॉग मार ले तो अच्छा खासा। ये तो हम लोग एक ही जैसे हैं पहली बात तो, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँ, किसी की भी शादी हो बजाए जाऊँ बस बजाते रहो बैंड बाजा अच्छे से, बैंड बजाऊँ ढोलक बजाऊँ मंजीरा भी बजाऊँ, किसी की भी शादी हो। हम तो ये गाना सोच रहे थे पेर की फिराक वाली, इस गाने पे मैं तो ढोलक बजा रहा था तो मैं क्या कर डालूं, लेकिन ये केजरीवाल तो बिल्कुल बजा नहीं पाते हैं। अरे देखो भैया हमारे गाना में मत पड़ो, हम कैसे भी ढोल बजाएंगे, हमारी शादी हो गई हम कैसे भी ढोल बजा सकते हैं। भाई लोग वीडियो लाइक कर चल सकते। अरे आज तो अपनी टीम बिल्कुल गमागम हो गई है, चलिए लालू साहब अपना ढोल का अच्छे से ताल मिला करके गमका दीजिए, थोड़ा सा मौज आ जाए आज। यही सुनने के लिए मैं आज 400 किलोमीटर से आया हूँ ये समझ लीजिए। चलिए मोदी जी अपना नगाड़ा ऐसा बजाऊं जो माइक से जाकर के साउंड में अच्छे से बाजे, मजा आ जाए, आनंद आ जाना चाहिए बिल्कुल भी। और तुम केजरीवाल एक चीज़ ध्यान रखना, अपना जो हारमोनियम है और कैसियो ये अच्छे से बजाऊं, जो बिल्कुल ऐसा रर ऐसे तर्ज बना दो, ऐसे तर्ज नागिन धुन बजा दो आज, और साथ में नगाड़ा ढोलक क्या करना है। लेकिन योगी जी क्यों इतना हंस रहे मुस्कुराहट कर रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। अरे बबुआ हमारी बात सबको समझ थोड़ी आता है, अरे हमारी मुस्कुराहट जो समझ जाएगा नो तो सबको देखो मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। अरे हमारी मुस्कुराहट देखकर तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे मुस्कान लिए बैठा हूँ। और यहाँ पे अच्छे से जब ये नगाड़ा और ढोलक और हारमोनियम अच्छे से बजेगा ना तो आनंद ही आनंद बरसेगा यहाँ पे, आनंद जिसे कहते हैं। और राहुल तो मेरी मजाक मत बना, मैं तो मुस्कुरा के बैठूंगा, तेरे जैसे तो नहीं, मैं अच्छे से मुस्कुराहट बैठूंगा। चलिए मोदी चचा अपना स्टार्ट कर दो अपना ये जो भी नगाड़ा हारमोनियम है, राहुल इनको देखो, केजरीवाल तुम भी अपना हारमोनियम अच्छे से बजाओ मेरे भाई। अरे वो तेरी क्या बात है, ये तो हमारा नगाड़ा का तो ये आवाज ही नहीं जा रहा बाजे में, ये साउंड में तो बोल ही नहीं रहा है, ससुरा लगता है मैकवा बंद हो गया है लगता है मुझे। अरे ये कौन सी चीज है भाई, इनको साउंड सर्विस वाले को बुलाओ फटाफट केजरीवाल, क्योंकि हमारी जो धुन है गड़बड़ हो रही है, यहाँ की आवाज जब मेरे मिलाप नहीं हो पा रहा है तो मेरा साउंड, जब तक साउंड में मेरी ये धुन पहुंचेगी नहीं तब तक हम अच्छे से बजा नहीं पाएंगे। तो केजरीवाल जाना साउंड सर्विस वालों को बुलाओ और मेरे साउंड की आवाज बढ़वाओ। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। अरे देखो मैंने तो पूरा खाना मुझे मिल गया है, मैंने तो पूरा हाथ उठा लिया ऊपर, और जिसको जिसको खाना नहीं मिला है वो अपना हाथ उठाइए फटाफट। देखो मेरे प्लेट में भरपूर खाना मिला है, इसमें देखो पनीर भी मेरे प्लेट में है, चावल भी है, और यहाँ पे जहाँ तक देखो मुझे सूखी सब्जी भी मिल चुकी है। तो मैं दावत में आया हूँ खाने, मैं ये कभी नहीं खाऊंगा कि मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मुझे खाना नहीं मिला। जिसको नहीं मिला है वो हाथ उठाइए, और सब लोग फटाफट अपना हाथ उठाइए, यहाँ कैमरे के सामने दिखाइए कि मुझे खाना मिल गया है, कृपया करके अपना अपना हाथ उठा लीजिए।
अरे देखो लालू भैया, मुझे भी बिल्कुल खाना मिल चुका है, मेरा तो पेट बिल्कुल एकदम भर चुका है। अमित शाह जी ने ऐसी दावत करा दिया, ऐसी दावत कराया है कि आज तक मैंने ऐसी दावत कभी भी नहीं खाई है। आप ही सोचिए कि मेरा बिल्कुल एकदम मेरा पेट फुल हो चुका है, अब तो मेरे से एक भी पूड़ी नहीं ली जा रही है, इतना मैंने खाना खा लिया। मैंने 10-15 रसगुल्ले भी साथ में खाया है और आप लोग ने भी खूब अच्छे से खाया, लेकिन राहुल तो बहुत कम हाथ उठा रहे हैं। अरे राहुल भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको खाना नहीं मिला है क्या? ऐसा है क्या कुछ? अरे मुझे भी बताऊं, अगर खाना नहीं मिला है, अमित शाह जी ने कहा था मेरे यहाँ पे दावत जो भी हुई आप लोगों की शादी पार्टी में, आप लोग भरपूर खाना खाइए और कैमरे के सामने हाथ उठा के जाइए कि आपको खाना मिल चुका है। अरे भैया हमको भी खाना मिल गया, ऐसी बात थोड़ी ना है मुझे खाना नहीं मिला है। अरे मुझे भी मिल गया है, मैं तो पीछे आया उठ करके हाथ उठा रहा हूँ, देखो जिस हाथ से मैं खाना खा रहा हूँ उसी हाथ से हाथ उठा रहा हूँ, देख लो। लेकिन एक बात तो सोचने वाली हो गई यहाँ पे लालू और मोदी भैया, यहाँ पे योगी जी का पूरा हाथ नहीं उठ रहा है, इसमें कोई कारण है या कोई बात तो जरूर होगी। अरे योगी भैया क्यों नहीं उठ रहा आपका पूरा हाथ? अरे देखो भैया, मेरा पूरा हाथ कहाँ से उठेगा, मेरे थाली में है क्या कुछ? मुझे खीर मिली एक प्लेट, वही इतनी देर से खाता जा रहा हूँ, मेरे प्लेट में कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, लोग वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।